Hello everyone, in this tutorial we will discuss about change password option in Django. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया और इससे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रही हूँ और प्रोजेक्ट को रन कर रही हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम फॉरेन की के कंसेप्ट को डिस्कस किया था उसमें हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि उससे आपने कैसे डाटा को ऐड करना है। तो पहले हम इसमें एक और उसको इनेबल करते हैं हमारे ऑप्शन को जो चेंज पासवर्ड वाली ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करूँगी और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया और कई बार आप यहाँ पे विदाउट लॉगिन या एडमिन लॉगिन के साथ ये वाला ओपन करने का ट्राई करते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया कस्टमर डैशबोर्ड तो यहाँ पे एरर आएगी। ओके, यहाँ पे मैंने लॉगिन रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। कई बार आपके पास जब एरर आ जाती है रजिस्टर मैच इंक्वायरी डज नॉट एग्जिस्ट इट मीन्स कि आपने जो वो है या तो वो प्रॉपर यूजर को लॉगिन नहीं किया हुआ एडमिन को लॉगिन किया हुआ है तो उसका रीजन एरर का ये होता है कि रजिस्टर में उस यूजर का डाटा नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ हमारे यूजर के साथ, मैंने ये वाला एक यूजर बनाया हुआ है और पासवर्ड एंटर किया और ये हमारी व्यू प्रोफाइल है, ये है हमारा एडिट प्रोफाइल। अब इस वाले ऑप्शन पे काम करेंगे चेंज पासवर्ड पे। तो चेंज पासवर्ड के लिए पहले मैं एक इसमें पेज बना रही हूँ, मैंने एक न्यू फाइल ली और उसको सेव कर रही हूँ चेंज पासवर्ड .html और इसको हम सेव करेंगे टेम्पलेट फोल्डर के इनसाइड। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट फोल्डर और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैंने सेव। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे होगा चेंज पासवर्ड और इसमें हम कुछ कोड लिखेंगे। तो पहले तो हमें इसमें जैसे मैंने लिखा h1 सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चेंज पासवर्ड फॉर नाउ, मैंने ये करके देख इसको लिंक करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला पेज हमने मैं यहाँ पे लिखूँ चेंज पासवर्ड तो ये वाला जा इस पर क्लिक करूँ चेंज पासवर्ड तो ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाए। ओके, ये यहाँ से लॉग आउट हो गया मुझसे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर नेम और पासवर्ड और सबमिट पे क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें तो वो पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए पहले हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेगा views.py और इसके इनसाइड में एक फंक्शन क्रिएट करूंगी। और अभी जो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप कई बार कस्टमर डैशबोर्ड सेलर डैशबोर्ड उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो हम एक काम करते हैं कि एक ही डैशबोर्ड रखेंगे बट उनको ऑप्शंस अलग अलग दे देंगे। जैसे कि कस्टमर ने लॉगिन किया और अगर आपकी ही कोई प्रोजेक्ट की एग्जांपल हो फॉर एग्जांपल कि आपका रियल इस्टेट वाला प्रोजेक्ट है कि उसमें जैसे कोई यूजर है यूजर सिर्फ प्रॉपर्टीज को देख सकता है प्रॉपर्टीज की रिक्वेस्ट कर सकता है और जो हमारा जो ऑनर है ऑनर प्रॉपर्टी को ऐड कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टीज जो जो भी यूजर ने ली हुई है उनको देख सकता है। तो हम यही पे उनको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे कि अगर तो सेलर है तो उसको ये वाले ऑप्शंस हो और अगर कस्टमर है तो ये वाले ऑप्शंस हो। अलग अलग डैशबोर्ड बनाने की बजाय हम ये कर लें क्योंकि वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। और एक चीज की जो जितना मैं आपको ये करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारा सिलेबस देखो तो Django का सिलेबस उसमें बहुत कम टॉपिक्स बचे हुए ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है। उसमें थोड़ा सा कुछ एक फॉर्म मॉडल फॉर्म और क्लास बेस्ड रिव्यूज के बारे में थोड़ा बचा हुआ है वो मैं आपको करवा दूंगी कवर अप। ये जो है ये मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ क्योंकि मतलब इतना जो है हम एक इतना हम स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं है कि मैं आपको प्रोजेक्ट की एक 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 चीज आपको जितने 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो सभी के एक एक चीज करवाऊंगी तो वो चीजें आपने कोरिलेट करके खुद से वो कुछ चीजें खुद से भी इम्प्लीमेंट करनी है क्योंकि एक वेबसाइट पे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो कि सिमिलर होते हैं कुछ आप इंसर्ट डिलीट अपडेट वही चलता है क्रूड ही चलता है क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट और उसी से वेबसाइट बनती है। जो हमने अभी तक कर लिया है क्रूड सिस्टम में क्या होता है क्रिएट करना डाटा को रिट्रीव करना अपडेट करना और डिलीट करना। हमने क्रिएट रिट्रीव अपडेट कर लिया है डिलीट अभी बचा हुआ है। तो अभी इसी पे वापिस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने इस फंक्शन का नेम रखा चेंज पासवर्ड और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है रिक्वेस्ट एंड
रिटर्न, मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और हमारा जो पेज का नेम है जो कि टेम्पलेट फोल्डर में सेव्ड है, इसका मैंने नेम रखा चेंज पासवर्ड डॉट html, और ये हमारा ये व्यू बन गया है। इसको मैं इसके एक url बनाऊंगी, तो मैंने urls.py फाइल को ओपन किया, ये रही urls.py फाइल, और इसमें हम करेंगे एक ये वाली url बना देंगे कि हमारा जो पाथ है, पाथ में url भी मैंने यही रखनी है, और व्यूज में से फंक्शन का नेम भी यही है, और नेम भी मैं सेम रख देती हूँ सो दैट हमें इजी रहे। तो मैंने सेव कर दिया, अब देखोगे आप, और इस पे क्लिक करने पे वो ओपन हो, ये कैसे होगा? इस पे क्लिक करने से चेंज पासवर्ड जो है वो ओपन हो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। सेकंड ऐप व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट चेंज पासवर्ड, तो जो हमने व्यू है, व्यू में हमने अभी बनाया है चेंज पासवर्ड। ओके, ये जो है इस फंक्शन के देखो इंडेंटेशन कर दिया मैंने गलत, तो ये डिट प्रोफाइल वाले के इनसाइड ही डिक्लेयर हो गया है फंक्शन। तो यहाँ पे हम जो है स्पेस को कर देंगे, ये इसको रिमूव, सेव किया, और वो इसको हम करेंगे रन। रन करने के बाद यहाँ पे जो है सर्वर पे ये पेज हमें शो हो जाएगा, जब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें तो शो हो। अभी हमने इसके साथ नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये वाला लिंक है उसको ओपन करेंगे। ये लिंक जो है मैंने डैशबोर्ड बेस फाइल में रखा हुआ है, तो वही फाइल ओपन करेंगे डैशबोर्ड बेस, और उसमें इसका यूआरएल का जो हमने नेम दिया हुआ है, जब तक हमने इतना कर रखा है वैसे, तो इसी नेम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूआरएल जो, और इसके इनसाइड जो आपने इसमें नेम दिया हुआ है, नेम हमने क्या दिया हुआ है चेक कर लो, चेंज पासवर्ड ही दिया हुआ है, तो ये वाला नेम, और इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, सेव किया। अब देखोगे आप, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया चेंज पासवर्ड, मतलब व्यू जो है वो फंक्शन हमारा एचटीएमएल कॉल हो रहा है। और अब इसमें हमने यही हेडर फुटर और लेफ्ट साइड वाला चाहिए, तो इसको इससे डैशबोर्ड बेस से इनहेरिट कर लेंगे, और हमारे ब्लॉक का जो नेम है वो डैशबोर्ड है ब्लॉक। और ये देखो, इसमें एक चीज आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक तो है माई ब्लॉक, माई मैंने लो एक्सटेंडर्स डैशबोर्ड बेस डॉट html, और यहाँ पे ब्लॉक का नेम, ब्लॉक्स जो आपने ब्लॉक का नेम रखा हुआ है, पहले एक्सटेंडर्स डैशबोर्ड से यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा। ये अब देखो, ये आ गया लेफ्ट साइड हेडर एंड फुटर आ गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है ब्लॉक स्टार्ट, तो लोड ब्लॉक, ब्लॉक का नेम डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड ब्लॉक, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंटेनर, div क्लास कंटेनर, एंड कंटेनर के इनसाइड रो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ div क्लास रो एंड div, जो भी आपने कॉलम लेना है कॉलम लिख लोगे, div क्लास कॉल md6 लिया मैंने, और इसमें हम एक फॉर्म लेंगे,
फॉर्म में सबसे पहले डिव क्लास फॉर्म ग्रुप लेबल लिया मैंने, लेबल में मैं पहले लिखूंगी करंट पासवर्ड, ठीक है, करंट पासवर्ड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, पासवर्ड क्लास फॉर्म कंट्रोल और नेम इसको दे देती हूँ मैं करंट पासवर्ड के लिए CPWD करंट पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड के लिए भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ न्यू पासवर्ड। और यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड लिख देती हूँ, कंफर्म न्यू पासवर्ड। और इसको मैं वैसे इसको हमने उधर सेट करवाना है तो मैं इसको नेम दे देती हूँ एन, न्यू पासवर्ड के लिए NPWD नेम कुछ भी दे सकते हो आप। इसको हमें उधर गेट नहीं करवाना क्योंकि हमें जो पासवर्ड चेंज करना है एक ही चाहिए। यहाँ पे इसकी वैलिडेशन करेंगे हम कि अगर न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम है तभी वो नेक्स्ट पेज पे जाए। तो उसके लिए हमने ये कर लिया इतना, और इसमें हम करेंगे एक मैं फॉर्म ग्रुप बना रही हूँ डीव क्लास फॉर्म फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप में मैं यहाँ पे लूंगी इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें क्लास दे रही हूँ मैं BTN वार्निंग, और इसको मैं वैल्यू दे रही हूँ चेंज पासवर्ड, और फॉर्म में लिख देती हूँ H1 गेट योर पासवर्ड। डिजाइनिंग हो चुकी है और इसको सेंटर में करना है फॉर्म को, तो इसको थोड़ा कम करना है तो Vol4 ले लेते हैं इसके लिए, भाई कितना भी, और इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं MX ऑटो, ये हो गया है। और थोड़ी इसमें आपने लगानी है BG लाइट लगा सकते हो, और मार्जिन Y एक्सिस लगा सकते हो, मतलब कि टॉप और बॉटम से मार्जिन चाहिए इसके बाउंड साइड, और इन साइड स्पेस के लिए आप इसमें पैडिंग लगा सकते हो, जो जो भी आपने यहाँ पे यूज़ करना है, बैकग्राउंड इमेज यूज करनी है जो भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। P2 P4 लगाऊंगी तो ज़्यादा पैडिंग हो जाएगी, चलो सही है। अब इसमें हमने पासवर्ड करना है जहाँ पे पहले ये पासवर्ड, फिर क्या न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। पहले जो ये वाला पासवर्ड है न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड दोनों जो है ये मैच करने चाहिए तभी ये आगे प्रोसेस हो सके। अगर ये न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम ना हुए तो ये सबमिट बटन पे क्लिक ही ना हो। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो आपकी jQuery चेक कर लो कि jQuery इसमें लिंक्ड होनी चाहिए, तो jQuery का जो लिंक है चाहे तो बेस फाइल में लगा दो, डैशबोर्ड बेस जो हमारी नॉर्मल बेस फाइल है उसमें हमने लगाई हुई है jQuery, नहीं फॉन्ट ऑसम तो लगाया हुआ है हमने jQuery, ये लगी हुई है jQuery, तो चेक करने के लिए कि लिंक्ड है या नहीं है कंट्रोल यू करके आप देख सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट jQuery सभी लिंक है, तो हम इसको करेंगे कस्टमाइज कंफर्म पासवर्ड। वैसे ये आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ, चलो एक बार देख लो। तो इसमें इसको ID दे देती हूँ पहले, तो ID इसको दी मैंने ID PWD पासवर्ड, और चलो इसमें पास लिख देती हूँ, और इसमें ID दे देती हूँ CPass क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम IDs के साथ वर्क करते हैं। और एक फंक्शन बना देती हूँ मैं, स्क्रिप्ट टैग यूज किया मैंने, फंक्शन का मैं नाम रख देती हूँ चेक पासवर्ड। और उसके बाद पहले तो हमें दोनों की वैल्यू को गेट करना है, तो लेट पासवर्ड की जो वैल्यू है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, भाई ID वैल्यू भी कर सकते हो या jQuery यूज कर सकते हो, $ इसका नेम जो है #PWD
नहीं सॉरी आईडी हमने दी हुई है पास, क्योंकि आईडी को हैश से डिनोट करके इसलिए मैंने आगे हैश लगाया है डॉट वैल। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगी कंफर्म पासवर्ड के लिए सीपी डॉट वैल, और इसकी जो आईडी है वो है सी पास। तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये डाटा आ भी रहा है या नहीं, ऑल्ट पी और यहाँ पे मैंने किया सीपी। और ये कब फंक्शन कॉल होना चाहिए, जब हम इसमें कोई भी की प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टीएम ऑन टीएम, टीएम पे चेक पास जो फंक्शन है उसको मैंने किया कॉल चेक पास सेव। अब उसमें हम जो भी चेंज करें, कुछ भी की प्रेस करें, तो उसकी वैल्यू गेट होनी चाहिए। मैंने इसमें लिखा ए, तो देखो ए गेट होगी, दूसरे में अभी ब्लैंक है, दोनों की वैल्यू गेट करवा। इसमें मैंने लिखा वन, तो इस पे वैल्यू मैंने नहीं गेट फंक्शन ही कॉल किया, इस पे जब चेंज करेंगे तो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसमें मैंने लिखा बी, तो यहाँ पे ए बी और वन आना चाहिए अलर्ट में, तो मतलब हमारी वैल्यू जो है वो गेट हो गई है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगी डॉलर साइन हैश और यहाँ पे मैंने इसको मैं करूंगी इफ पासवर्ड इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड, अगर ये दोनों मैच हैं तो क्या हो, अदरवाइज क्या हो। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए तो जो ये है दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो रेड हो जाए। तो मैं इसमें सीएसएस फंक्शन करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉर्डर, बॉर्डर में वन पिक्सल सॉलिड रेड। सिमिलरली सी पास का भी जो बॉर्डर है वो रेड हो जाए अगर ये मैच नहीं हुए। चलो लेट्स चेक द कोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वन, तो बॉर्डर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड अब सेम नहीं है तो बॉर्डर जो है वो रेड हो गए। यहाँ पे अब मैंने वन लिख दिया, तो अभी हमने उसका इफ एल्स का कोड नहीं लिखा है, तो मैं इफ का कोड लिख देती हूँ यहाँ पे कि अगर जो ये है मैच हो गए तो जो ये बॉर्डर है वो ग्रीन हो जाएंगे। तो यही कोड यहाँ पे करूंगी। अगर आपने अलर्ट यूज करना है तो अलर्ट यूज कर सकते हो। बॉर्डर मैं यहाँ पे कर देती हूँ वन पिक्सल सॉलिड ग्रीन, यहाँ पे ही मैं करूंगी वन पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो ये जावास्क्रिप्ट पार्ट है हमारा, मैंने लिखा वन वन, इसके की अब पे फंक्शन चलाया, यहाँ पे मैंने लिखा टू टू थ्री, यहाँ पे अगर मैंने वन टू थ्री आया तो ये दोनों बॉर्डर ग्रीन हो जाए। अब अगर इसको भी चेंज करें तो भी ये वाला चेक होना चाहिए। तो हम जो ये फंक्शन है इसके की अप पे भी लगा देंगे कि जो कंफर्म पासवर्ड वाला हमारा इनपुट बॉक्स है उसके की अप पे भी इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी रेड हो गया बॉर्डर, यहाँ पे ए बी लिख दिया तो ग्रीन हो गया, अब सी लिख दिया तो अगेन रेड हो गए, अब यहाँ पे मैं सी लिख दूंगी तो अगेन बॉर्डर ग्रीन हो जाएंगे। बट बॉर्डर तो रेड ग्रीन हो जाएंगे बट इस पे अब भी ये क्लिक हो रहा है, देखो क्लिक तो हो रहा है। सबमिट नहीं होना चाहिए फॉर्म जब तक कि ये दोनों मैच नहीं हो जाते पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो उसके लिए और कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है डिसेबल, डिसेबल एट्रीब्यूट को ऐड करना है कि अगर जो है पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं है तो हमने बटन को डिसेबल कर देना है कि बटन क्लिक ही ना हो। तो उसको मैं आईडी दे रही हूँ, आईडी मैंने दी इसको एस बी बटन, सबमिट बटन को एस बी बटन मैंने आईडी दे दी, बट आईडी कुछ भी दे सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉलर साइन हैश एस बी बटन डॉट एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे तो हम अगर मैच हो गए तो हमने इसको, मैं अभी के लिए पहले ये वाला लिख देती हूँ आपको क्लियर हो जाए, सो दैट तो अगर ये मैच ना हुआ हो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाए डिसेबल्ड और उसकी जो वैल्यू है वो हो जाए डिसेबल्ड। एट्रीब्यूट होल्सो आपको क्लियर होगा, जैसे टाइप इक्वल्स टू सबमिट है, क्लास इक्वल्स टू वीटीएन है, तो वैसे ही ये डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल हो गया। और यहाँ पे हम कर देंगे इस एट्रीब्यूट को रिमूव कि अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मैच हो गए तो
एट्रीब्यूट जो डिसेबल ऐड हुआ था हमारा वो रिमूव हो जाए, अदरवाइज जो है वो ऐड हो जाए। तो लेट्स चेक द कोड। इसकी जगह आप क्लास भी यूज कर सकते हो, वार्निंग वगैरह क्लास। तो मैं यहाँ पे ए लिखा, देखो बटन डिसेबल हो गया, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ बट ये अनक्लिकेबल है बटन। अब अगर मैंने कलर भी चेंज हो रहा है, क्लियर हो रहा है, अगर मैं ये मैच हो जाएंगे दोनों तो जो ये है ये बटन इनेबल हो गया, इस पर क्लिक हो रहा है। तो जो हमारा साइन अप वाला पार्ट है उसमें भी आप अगर किसी का ये वर्क नहीं करा था तो आप इसको ध्यान से देख के इम्प्लीमेंट उसमें भी आप कर सकते हो। तो ये तो था हमारा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। अगर आपको और इसमें थोड़ा ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप इसमें क्लास ऐड करवा सकते हो, कि जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, यहाँ पे आपने कर दिया ऐड क्लास, क्लास ऐड करनी है हमने इस पे, अलर्ट अलर्ट सक्सेस, जो भी आपको सही लगे, बॉर्डर लगाना है, क्लास लगानी है। यहाँ पे हमने ये क्लासेस को ऐड कर दिया और यहाँ पे जब वो ओके, यहाँ पे हमने ग्रीन वाली को ऐड किया है और यहाँ पे हमने करना है रेड को ऐड, तो अलर्ट डेंजर इसके लिए। चलो मैं आपको दिखाऊंगी अब इसमें क्या दिक्कत आएगी। अलर्ट डेंजर रन किया, ये देखो अब मैच नहीं हुए तो इसमें ये ऐड हो रही है, ये रेड हो गए हैं। बट अगर ये मैच हो, अब मैंने सेम लिखा पासवर्ड भी और कंफर्म पासवर्ड भी, अभी भी ये रेड ही होंगे दोनों। रेड क्यों है ये, क्योंकि इसमें वो अलर्ट सक्सेस, एक बार डेंजर ऐड हो गई तो दोबारा से सक्सेस ऐड हो रही है बट डेंजर स्टिल है, तो एक को रिमूव करना पड़ेगा और दूसरी को ऐड करना पड़ेगा। तो एक को मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहले क्या करना है हमने, पहले ये वाली जो क्लास है इसको हमने करना है रिमूव, रिमूव करना है इसमें से जो अलर्ट सक्सेस है उसको रिमूव करना है, डेंजर को ऐड करना है। सिमिलरली इसमें इस वाली इनपुट से भी हमने क्या करना है, अलर्ट सक्सेस को रिमूव करना है और अलर्ट डेंजर को ऐड करना है। और यहाँ पे ऑपोजिट होगा, ये वाली जो क्लास है इसमें से हम करेंगे रिमूव क्लास इसमें, क्योंकि जब बॉर्डर्स जो हैं जब मैच हो गया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड तो हमने रेड वाली को कर देना है रिमूव और ग्रीन वाली तो ऐड हो ही रही है, तो अब यहाँ से वो सही हो जाएगा। अब मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, सेव किया, तो यहाँ पे आप देखना ये लिखा, अब मैच हो गए, देखो दोनों में ग्रीन आ रहा है बैकग्राउंड, और अगर ये मैच नहीं होगे तो दोनों में जो है वो रेड आ रही है यहाँ पे क्लास, और ये बटन डिसेबल हो चुका है। तो जो भी आपने यूज करना है कर सकते हो, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ कोड को, सो देट आप इसको भी यूज कर सको। मैं यहाँ पे फॉर नाउ बॉर्डर को ही यूज करूंगी। तो चलो अब आते हैं इसके बैक एंड पार्ट पे। तो हमने क्या करना है कि जब इस पे इसकी वैल्यू को गेट भी करवाना है, इस पे क्लिक किया तो वैल्यू जो है वो कहाँ पे गेट होनी चाहिए हमारी, इस वाले व्यू में वैल्यू गेट होनी चाहिए। तो आपने बहुत ही अच्छे से आपको जो कर रहे हो बहुत कंसंट्रेशन से लैंग्वेज को, तो आपको पता ही होगा कि वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो इसमें मैं एक्शन मेथड यूज करूंगी पोस्ट, क्योंकि पासवर्ड का काम है हमारा, तो पासवर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली भेजते हैं, तो मेथड पोस्ट यूज करेंगे, क्योंकि गेट में देखो यहाँ पे शो हो जाती है वैल्यू। मेथड पोस्ट लगाया, पोस्ट लगाने से भी पता होगा आपको क्या होता है, ये क्या आ गया यहाँ पे CSRF टोकन की एरर आ गई, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आप इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्म के इनसाइड लगाते हैं CSRF टोकन, या आपको अगर इसको अगर मैं नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट की। और इसमें वैसे एट्रीब्यूट का भी मैं बता देती हूँ आपको, एक सो क्या था, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगी इसको, राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट किया, तो आप देखना कि क्या हो रहा है इससे। इस बटन को इंस्पेक्ट करना है हमने, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, ये देखो इसमें अगर मैं पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं है, सेम नहीं है, तो
यहाँ पे देखो एक डिसेबल एट्रीब्यूट हो रहा है ऐड और उसकी वैल्यू डिसेबल हो रही है, बट अगर वो दोनों मैच कर गए तो ये रिमूव हो रहे हैं। तो ये है वो हमारा जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी का। अब हमने क्या करना है कि जो डाटा है हमारा हमें कहाँ पे चाहिए, वो बस हमें कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए उधर, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए करंट पासवर्ड ताकि मैच कर सके कि अगर यूजर ने करंट पासवर्ड सही फिल किया तभी उसका पासवर्ड हमने चेंज करना है। तो जो है नेम यहाँ पे दिया हुआ है CPWD और इसका नेम दिया हुआ है NPWD, तो इसी को हमने इधर गेट करवाना है। आपको इतना तो पता होगा कि हम क्या यूज करते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, मीन्स कि अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ तो हमने क्या करना है, एक तो है हमारा करंट पासवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट में मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये नेम सही देना है अदरवाइज मल्टी वैल्यू की डिक्शनरी एरर आ जाती है। अब न्यू पासवर्ड की न्यू नहीं रखना है वेरिएबल का नेम, क्योंकि न्यू रिजर्व कीवर्ड हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंड पासवर्ड, वैसे इसमें ये नहीं है रिजर्व कीवर्ड न्यू में, तो एनीवेज मैंने यहाँ पे एक रखा करंट और रखा एक मैंने न्यू पासवर्ड, और ये वैल्यू गेट हो रही होगी। आप प्रिंट करवा के देख सकते हो कि वैल्यू हमारे पास आ रही है या नहीं, करंट एंड न्यू पास चेक कर लेते हैं। तो जो इस वाली ये वाली वेबसाइट है इसका करंट पासवर्ड मैंने रखा हुआ है 1 और जो न्यू पासवर्ड है मैं इसमें 1 लिख देती हूँ। वैसे इसमें एक और चीज है कि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी फिल करती देखो तो सब इस पे क्लिक हो रहा है और ये 1 आ गया उसमें, तो इस पे क्लिक ना हो, सभी तीनों चीजें अगर यूजर फिल करे तभी इस पे क्लिक हो। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड तीनों इनपुट फील्ड में। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि जो तीनों इनपुट हमारी है वो रिक्वायर्ड है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, तो इस पे ही मैंने लगाया रिक्वायर्ड और इस पे भी मैं कहीं भी ऐड कर दो रिक्वायर्ड। तो अब ये जो है तीनों फील्ड फिल करनी मैंडेटरी है, इस पे फील्ड की अगर इसको नहीं फिल करूंगी तो यहाँ पे आ गया दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 और न्यू पासवर्ड में मैं 2 लिख देती हूँ और इसमें भी मैं लिख देती हूँ 2। इस पे क्लिक करेंगे और इधर जो है हमने प्रिंट करवाया हुआ है तो यहाँ पे 192 आ रहा है। करंट मैंने हेलो लिखा, ये लिखा और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और ओके कुछ भी नहीं लिखना, ये मैच होने चाहिए हाय और न्यू पासवर्ड मैच होगा तभी बटन क्लिक होगा। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे ये गेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हो रहा है गेट, तो हम सही जा रहे हैं। और अब हमने क्या करना है कि पहले को चेंज कर देना है, वैल्यू को क्या कर देना है, चेंज करना है पासवर्ड को। तो पहले हम चेक करेंगे पासवर्ड, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं तो पहले जो लॉगिन यूजर है उसको हम कैसे देखते हैं लॉगिन यूजर को, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर के ऑब्जेक्ट बनाई यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, जिसकी आईडी सेशन में है वो यूजर। अब हमने पासवर्ड को मैच करवाना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, प्रिंट करवा देती हूँ मैं, चेक करते ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई चेक रिक्वेस्ट टू यूजर डॉट मैच पासवर्ड, और इसमें एक तो करंट फिल करेंगे और एक न्यू जो जिसके साथ आपने मैच करवाना है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ करंट एंड न्यू पासवर्ड, सॉरी करंट एंड न्यू पासवर्ड नहीं लिखना,
मैच पासवर्ड है डायरेक्ट जिसके साथ आपने मैच करवाना है उसके वही लिखेंगे ओनली, तो करंट पासवर्ड के साथ मैच करवाना है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, चेक को क्या होता है, रिफ्रेश किया और इसको चेक करते हैं। करंट पासवर्ड लिखा 1, न्यू में कुछ भी लिखा, इस पे क्लिक किया, ओके, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मैच पासवर्ड, तो इसके बारे में भी शोर नहीं थी। तो इसके हम एक बार डॉक्यूमेंट, अगर आपको कुछ भी कहीं पे स्टक हो जाओ तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जेंको पासवर्ड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये है जेंको ऑथेंटिकेशन डॉक्स। इसमें आपको बहुत सारी चीजें न्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही जैसा बताया कि स्पून फीडिंग नहीं कर सकती, तो आपको बाकी चीजें बहुत सारी चीजें, अगर मैं एक को आपको 10% बताती हूँ तो बाकी 90% आपने खुद सर्च करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में जाओ तो बहुत कुछ होता है उसमें करने के लिए। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे, आपको डॉक्यूमेंटेशन की कैसे हमने करनी है ये तो है हमारा सेट करने के लिए, बट हमने सेट नहीं करना, हमने करवाना है जेंगो पासवर्ड मैच। तो उसके लिए एक फंक्शन चेक पासवर्ड होता है, यस। तो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया था मैच पासवर्ड, तो सॉरी फॉर दिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चेक पासवर्ड। अब देखते हैं कि क्या होता है, इसमें मैं ओपन कर रही हूँ, ये मैंने लिखा 1, करंट पासवर्ड मैंने 1 लिखा, और न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट लिख देती हूँ, हेलो लिख दिया, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो ट्रू आ रहा है, क्योंकि मैंने करंट पासवर्ड सही लिखा। अगर मैं करंट पासवर्ड गलत लिख दूँ कुछ भी, इसमें तो हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये देखो, मतलब ये मैच कर रहा है, मेरा जो पासवर्ड है जो मैंने लॉग इन किया हुआ है उसका जो पासवर्ड है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर तो मैं 1 लिखती हूँ तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई इनकरेक्ट वैल्यू लिख देती, कुछ भी नहीं, करंट पासवर्ड की वैल्यू हमने इनकरेक्ट लिख दी, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इट मीन्स की चेकिंग हो रही है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें फॉल्स आ गया, इफ चेक इक्वल्स टू ट्रू, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, बट अगर चेक में फॉल्स आ गया, ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो हम एक इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करवा देते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी जो है हमारी ये है, तो इसमें मैं पास करूंगी कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट में मैं एक मैसेज भेज देती हूँ, मैसेज, मैसेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड इनकरेक्ट करंट पासवर्ड, और एक मैं यहाँ पे जो है थोड़े सा हमने डिजाइनिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम हमारा फाइनल प्रोजेक्ट में भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं इसमें कोई कलर भेज देती हूँ, या इसका स्टेटस में एक मैं इसकी कलर भेज दूंगी, इसका कलर COLOR लिख दिया, कलर कौन सा आना चाहिए, अगर इनकोरेक्ट है रेड कलर यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लास ही भेज देती हूँ अलर्ट डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए डेंजर, अदरवाइज अगर मैच कर गया तो यहाँ पे सही आएगा, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज में आ जाएगा इनकोरेक्ट करंट पासवर्ड, और कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा अलर्ट डेंजर, और इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगी। अब चेक करते हैं इसको, और इसको प्रिंट भी तो करवाना है कहीं पे, तो जो हमारा ये चेंज पासवर्ड है इसमें मैं इसको कहाँ पे करवाऊँ, स्टार्टिंग में ही करवा देते हैं इधर, तो कि अगर उधर से कुछ मैसेज आ रहा है, इफ मैसेज, अगर मैसेज आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया
एम डिव, और इसमें जो है डिव है, डिव में वो मैसेज जो है वो शो हो जाना चाहिए मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट चेक कैसे ये वो कर रहा है, रिफ्रेश किया और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा करंट पासवर्ड में मैंने गलत लिख दिया, हेलो लिख दिया, न्यू पासवर्ड कुछ भी लिख दो, इसके बाद अभी हम कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये देखो ये आ गया इनकरेक्ट करंट पासवर्ड, और इसको थोड़ा डिजाइनिंग वाली क्लास हमने यूज करनी है, तो आप यहाँ पे क्लास में लिख सकते हो अलर्ट, और अलर्ट जो है हमने क्या भेजा था, अलर्ट में COL में भेजी हुई वैल्यू, तो COL लिख देंगे उसमें आ जाएगा अलर्ट डेंजर। तो लेट्स चेक अगेन, यहाँ पे मैंने पहले तो मैं ये गलत वैल्यू लिख देती हूँ पासवर्ड की कोई भी, और चेंज किया यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट करंट पासवर्ड, क्लियर। बट अगर ये पासवर्ड जो है सही फिल किया मैंने, वन फिल किया, ठीक है, और चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे जो है पासवर्ड को कर देना है चेंज, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रहा हमारा यूजर, तो यूजर डॉट हमने जो मेथड पहले रीड किया था सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और इसमें जो है पासवर्ड पास कर दो आप, हमने ये वाला पासवर्ड सेट करना है न्यू पासवर्ड, और इसमें जो है कॉन्टेक्स्ट में क्या मैसेज जाना चाहिए कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, एंड अलर्ट डेंजर की जगह यहाँ पे आ जाना चाहिए अलर्ट सक्सेस। ये बूटस्ट्रैप का अलर्ट है जो मैं इधर से ही भेज रही हूँ डायनेमिक उसके लिए। तो करते हैं इसको अगेन चेक, करंट पासवर्ड में मैंने वन लिखा, न्यू पासवर्ड में यहाँ पे लिख देती हूँ एक हेलो, और इसमें भी हेलो, इस पे क्लिक किया और जो है यूजर इज नॉट डिफाइंड, नो एरर, तो यहाँ पे क्या होगा यूजर यूएसआर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आना चाहिए यूएसईआर। तो लेट्स चेक अगेन, इसमें एक और प्रॉब्लम भी आएगी जो हम इसी में ही बाद में डिस्कस करेंगे। तो करंट पासवर्ड मैंने लिखा वन, न्यू पासवर्ड मैंने लिखा हेलो, और इसमें मैं लिख दूंगी हेलो चेंज पासवर्ड, और ये पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, फाइनली पासवर्ड हमारा चेंज हो गया है, अभी मैंने पासवर्ड जो रखा है वो रखा है हेलो। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी वेबसाइट को, ठीक है, रिफ्रेश किया, आई थिंक ये पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, चेक करते हैं। मैं करंट पासवर्ड में हेलो लिख के चेक करती हूँ कि हेलो पासवर्ड हमारा सेट हो रहा है या नहीं हुआ, तो ये इनकरेक्ट आ रहा है करंट पासवर्ड। ओके, तो मैंने ये सेट पासवर्ड तो कर दिया और उसके बाद सेव नहीं किया, यूजर डॉट सेव कर देना है। चलो अब दोबारा से करते हैं इसको ट्राई, तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे करंट पासवर्ड वन ही है स्टिल हमारा, न्यू पासवर्ड मैं लिख रही हूँ हेलो, और इसमें भी मैं लिख रही हूँ हेलो, और इस पे क्लिक किया चेंज पासवर्ड, तो पासवर्ड चेंज हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ वेबसाइट को, तो यहाँ से देखो ये जो है हमारा यूजर अपने आप लॉग आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉगिन की ऑप्शन आ गई, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर टेबल मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, जो आपके पास सबसे ज्यादा एरर आ रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने सही यूजर को लॉग इन नहीं किया हुआ। तो चेंज पासवर्ड ये जो है ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि ये लॉग इन नहीं है अब यूजर, इससे क्या होता है कि जब उसका पासवर्ड चेंज हो गया तो दोबारा से उसको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं करवाना कि हम चाहते हैं, ये देखो सिंचन, अब अगर मैं इसमें वन पासवर्ड लिख रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड में वन लिख रही हूँ सबमिट करती हूँ, ओ सॉरी वन तो है ही नहीं, अब अगर मैं इसमें पासवर्ड में लिख रही हूँ HTTP हेलो, तो ये हो रहा है लॉग इन। बट अगर हम मैं पासवर्ड को चेंज कर देते तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है, हम नहीं चाहते, हम चाहते कि वो कंटिन्यूसली फिर भी लॉग आउट ना हो, तो हम उसको क्या करेंगे दोबारा से ऑथेंटिकेट कर देंगे,
इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं रहता क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो हम दोबारा से ऑथेंटिकेट करेंगे जैसे कि हमने लॉगिन के टाइम पे किया था, तो यही वाला है फंक्शन, इसको ही करेंगे कॉल ऑथेंटिकेट। और ऑथेंटिकेट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब ये पासवर्ड चेंज हो गया उसके बाद हमने ऑथेंटिकेट करना है यूजर नेम में, यूएन यूजर नेम में, यूजर नेम कहाँ पे है हमारा, यूजर नेम जो है वो होगा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि जब वो यूजर कब तक है, ये वाला जो यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट कब तक है, जब तक वो लॉग इन है, जब वो अपने आप लॉग आउट हो गया तो ये जो है सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं एक यूजर नेम में इसकी वैल्यू मैं करवा देती हूँ, यूजर नेम की वैल्यू है यूजर नेम और पासवर्ड की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ जो न्यू पासवर्ड है, बाद में तो यही रह जाएगी ना उसकी वैल्यू, पासवर्ड में मैं न्यू पासवर्ड कर देती हूँ। तो अब ये सही हो जाना चाहिए, अब ये लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स चेक अगेन, अभी करंट हमारा पासवर्ड है हेलो, न्यू पासवर्ड में रख देती हूँ 2, इसमें भी मैंने 2 लिखा, तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब रिफ्रेश कर रही हूँ तो अभी क्या वो लॉग आउट हो गया है, सॉरी अब भी लॉग आउट हो गया, ऑथेंटिकेट के ऑथेंटिकेट तो ठीक है बट लॉग आउट होगा, लॉगिन करवाएंगे इसको, तो लॉगिन करवाएंगे, रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट, इसको लॉगिन रिक्वेस्ट यूजर को करवाएंगे। तो एक मिनट, यूजर भी हमें गेट करवाना पड़ेगा क्योंकि वो तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो यूजर नेम हमारे पास है यूएन में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि और जो हमारा यूजर है वो कौन सा है, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूएन, ठीक है। और इसको हमने लॉगिन करवाना है रिक्वेस्ट यूजर को, तो ट्राई करते हैं, होप सो ये हो जाएगा अब सही। ओके, ये तो लॉग आउट हो चुका है, तो दोबारा से लॉगिन करेंगे शिनचैन, पासवर्ड आई थिंक मैंने 2 रखा था अभी, ठीक है लॉगिन हो गया। अब अगेन मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ, इसमें पासवर्ड रखूंगी 2, इसमें मैं रख रही हूँ न्यू पासवर्ड 1212, चेंज किया, चेंज हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो मैंने पहले क्या हो रहा था कि जब वो एक बार उसने पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि यही पॉलिसी, अगर आपने उसको दोबारा से लॉगिन करवाना है तो लॉगिन करवा सकते हो आप उसको, क्योंकि आपको बस लॉगिन करवाने के लिए उसका यूजर नेम चाहिए होता है और आप उसको लॉगिन करवा सकते हो। तो ये हमने कर लिया है, पासवर्ड यहाँ पे जो है वो चेंज हो गया है। और आपकी और सभी की एक और भी क्वायरी थी क्या, कि यहाँ पे देखो व्यू प्रोफाइल में यहाँ पे पिक्चर आ रही है, एडिट प्रोफाइल में यहाँ पे आ रही है, बट चेंज पासवर्ड वाले में यहाँ पे पिक्चर शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये पिक्चर कहाँ से आ रही है, हम कैसे ये पिक्चर को गेट कर रहे थे, आप इसमें देख सकते हो डैशबोर्ड बेस वाले में, ये देखो डाटा डॉट से आ रही है, तो ये डाटा हमने व्यूज में सेंड ही नहीं किया, वो कॉन्टेक्स्ट में वो डाटा है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपने उस डाटा को भेजना भी है, कैसे भेजोगे, डाटा जो है हमने डाटा वेरिएबल में भेजा हुआ है, तो आप इसमें कर सकते हो, ये डाटा हमने ये वाला है, कई बार एरर भी आती है रजिस्टर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, उसको आपने सही करना है, तो हमें ये एक और इसका मेथड अपनाना पड़ेगा। ये एरर क्यों आती है रजिस्टर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने ये वाली क्वेरी लगाई हुई है सभी में कि रजिस्टर टेबल के ऑब्जेक्ट से हमने गेट करवाना है कि जिसकी यूजर आईडी ये है। अब एडमिन जो सुपर यूजर है, सुपर यूजर को तो हमने रजिस्टर टेबल में कोई ऐड ही नहीं किया हुआ, तो दैट्स व्हाई वो एरर आती है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट, उसका ही मैं एक बताऊंगी अलग वीडियो में इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम फिल्टर लगा के देन कर सकते हैं। चलो इसमें भी हम कर ही लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि वो एरर कैसे सॉल्व होगी। तो पहले मैं यहाँ पे बेस लेती हूँ ऐसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा में मैंने डाटा भेज दिया। तो अब जो है ये सही आ जाने चाहिए। इधर प्रोफाइल पिक्चर चेंज पासवर्ड में कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा में हमने डाटा को सेंड कर दिया है। न्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड चेंज पासवर्ड, ओके, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, यहाँ तक तो हम सही जा रहे हैं। डाटा वैसे तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं इसको जो है पहले करवाऊंगी यहाँ पे। कहीं मैंने डाटा वेरिएबल और तो नहीं क्रिएट किया? नहीं, मैंने और कहीं पे भी नहीं क्रिएट किया है। सो मैं अब इसको करती हूँ। चलो ये आ गई है पिक्चर। अब ये एरर मैं दिखाती हूँ आपको कब आएगी। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर देती हूँ एडमिन को, एडमिन को लॉगिन कर दूँ। ठीक है, एडमिन में मेरे पास है सच टेक और इसका जो पासवर्ड है मैं वो फिल कर देती हूँ और लॉगिन किया। क्योंकि ये मॉडल जो है रजिस्टर टेबल में हमने क्वेरी लगाई हुई है। रजिस्टर टेबल में हमने कौन से रजिस्टर टेबल, ये वाला है। इसमें हम जो एक तो स्टाफ यूजर एक्टिव यूजर का अकाउंट बना रहे हैं, सुपर यूजर का नहीं बनाया इसमें हमने। तो ये मैंने लॉगिन करवाया, ये लॉगिन हो गया है। अब देखना आप, अब मैं इधर करूंगी ना रिफ्रेश इसको। तो यहाँ पे एरर आ जाए, तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस करूंगी। तो इसको मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये आ गई है रजिस्टर मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर इसीलिए आई है क्योंकि मैंने इधर एडमिन का, एडमिन की डिटेल नहीं है। तो इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो एरर को, कि यहाँ पे एरर शो ना हो। तो जो ये डाटा हम सेंड कर रहे हैं ना, ये वाला जो डाटा है इसमें हम पहले चेक करेंगे कि चेक कर लेते हैं रजिस्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर हम चेक करेंगे कि लॉगिन जो यूजर है उसका डाटा उधर है भी या नहीं। तो मैंने किया यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, कि अगर यहाँ पे आ गया कि रजिस्टर टेबल ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूजर आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, ये हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर में क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा कि अगर तो इधर इस आईडी का कोई डाटा होगा तो इसमें उतना 1 2 3 उतना आ जाएगा रिकॉर्ड, अदरवाइज इसमें आ जाएगा 0 कि अगर इसका कोई डिटेल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफ लेंथ ऑफ चेक, अगर इसकी जो लेंथ है उसमें ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें रजिस्टर टेबल में इस यूजर की कोई एंट्री है, तभी ये वाला जो है कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी ऐड हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एरर जो है वो नहीं आएगी चेंज पासवर्ड वाले में, एटलीस्ट क्योंकि हमने इसी में किया है ये। बाकी इसको और कैसे कस्टमाइज करना है ये देखो, चेंज पासवर्ड में वो एरर नहीं आई। अब इसको कैसे कस्टमाइज करना है कि यहाँ पे लिखा आ गया कि एडमिन इज नॉट अलाउड हियर, वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ मैं इसी को आपको दिखा रही हूँ। लॉग आउट किया मैंने और यहाँ पे किया है लॉग इन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शिनचैन, और यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिख दिया था 1 2,
और जो है यहाँ पे ये जो चेंज पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। आप सभी ने इसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करके देखना है। थैंक यू।